हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आज डिस्कस करेंगे उन न्यूज़ के बारे में जो मतलब कि रह गई थी, जो एडिटोरियल रह गए थे, जो 18, 19, 20 को जो मैंने मतलब कि एडिटोरियल डिस्कस नहीं किए थे उनकी बात करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जो पहला मतलब कि आया था एडिटोरियल जो 18 वाले न्यूज़पेपर में 18 जनवरी को, सो उसमें मतलब कि ये देखो इंजेक्टिंग जो कॉन्फिडेंस है उसका जो एडिटोरियल आया था उसमें बताया गया है कि जो मतलब अपनी दवाइयाँ बनी है जो दो, वैक्सीन बनी है जो दो, ये कौन सी वैक्सीन बनी है, कोविशील्ड और कोवावैक्सीन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दो इम्पोर्टेंट है जो मतलब कि कोरोना के टाइम में ही चल रहा है और जो जिन्होंने ये डेवलप किया उसके बारे में मतलब कि बात की गई है इस एडिटोरियल में। ये जो पास में आर्टिकल है इसमें मतलब कि क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो 2 लाख पीपल थे, मतलब कि जो 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई थी, आपको पता है 16 जनवरी को जो है अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था। तो उसमें मतलब कि क्या हुआ, उसमें जो 2 लाख जो पीपल थे उनको मतलब कि वैक्सीन लगाई गई और मतलब 2 दिनों के अंदर, और जो इसके कितने सेशन हुए थे, इनके सेशन हुए थे मतलब 3350, मतलब 3350 जो सेशन थे उनमें मतलब कि ये काम किया गया वन डे में, मतलब कि फर्स्ट डे में मतलब कि इतना काम कर दिया था इन्होंने जो 16 जनवरी को। तो मतलब उसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें। मैं एडिटोरियल में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कितना डिस्कस हुआ, मतलब कि किसके बारे में किसको वैक्सीन कितनी लगाई गई ये नहीं पूछेंगे इसमें, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोविशील्ड और जो मतलब कि कोवावैक्सीन है वो किसने बनाई है और वो मतलब कि कितनी एफिकेसी वगैरह है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब कि अपनी दो वैक्सीन है इंडिया की, तो पहली जो वैक्सीन है आपको पता है वो कोविशील्ड, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो किसने बनाई है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो बनाई है अपने ये सीरम इंस्टीट्यूट ने। सीरम इंस्टीट्यूट कौन सी है, ये पुणे बेस जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने बनाई है। जो सेकेंड जो है मतलब कि वो किन्होंने बनाई है, उसका नाम है कोवावैक्सीन, कोवावैक्सीन उनका नाम है। बनाई किसने है, वो बनाई है मतलब भारत बायोटेक वालों ने। अब इसका एफिकेसी डाटा कब आएगा, इसका एफिकेसी डाटा आएगा मार्च के अंदर, मार्च के अंदर इसका एफिकेसी डाटा आएगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे पास वाले जो आर्टिकल है उसके ऊपर चलेंगे, पास वाले आर्टिकल में क्या है, अब ये पास वाला आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं सो इसको स्किप करेंगे। अब जो मतलब कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 18 वाले न्यूज़पेपर में सो वो है फाइनेंशियल बूम। इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो पहले से मतलब कि डाउन थी, जो अब 2020 में कह रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन है डाउन है, सो इकोनॉमी पहले से ही डाउन थी, कोरोना के बाद तो डाउन हो ही गई, लेकिन जो 19 में था, 19 ईयर में जो अपनी इकोनॉमी चल रही थी जीडीपी, उसमें मतलब कि काफ़ी गिरावट थी और वो मतलब कि पहले से ही डाउन थी। सो उसके बारे में इसमें बताया गया है, इस मतलब कि जो एडिटोरियल है सो उसके बारे में देखो आप, ये मतलब कि क्वार्टर मतलब कि फर्स्ट में बताया गया 2020 में मतलब इंडिया की जीडीपी जो है वो मतलब कि श्रिंक हुई है 23.1%। सो मतलब कि जो पहले से ही डाउन थी इसमें ऐसा बताया गया है कि ऐसे नहीं है कि 2020 में डाउन हुई है, 2020 में तो देखो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है यूके की है यूएस की है वो मतलब कि वो भी डाउन हो चुकी है, तो अपनी तो मतलब कि काफ़ी पीछे है अपने इनसे, तो अपनी तो डाउन होनी ही है। तो वर्ल्ड में मतलब कि 2020 कोरोना के दौरान तो सभी की डाउन हुई है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी की हालत थी वो पहले से ही ख़राब चल रही थी 2019 से। सो उसके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। सो उसके मतलब कि रूल रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए जिससे कि इकोनॉमी जो है फिर से ट्रैक पर आ सके, उसके बारे में इसमें बताया गया है। फ्लोज ऑफ फाइनेंस, फ्लोज ऑफ फाइनेंस क्या है, जैसे कि हमारी कंट्री जो है मतलब वो जो अपने जो इकोनॉमी है वो पहले से ही उधारी पे चल रही है। उधारी पे कैसे चल रही है, बिकॉज कर्ज ज़्यादा हो चुका है, आपको मतलब कि जो है एक्सपेंडिचर डाटा आपको देखना चाहिए। सो मतलब कि पहले से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है अपना और जो अर्निंग है कम हो रही है, तो 2019 से ही ये हालत है इसकी अपनी इकोनॉमी की। सो इस जो मतलब कि एडिटोरियल में उसी के बारे में बताया गया है, बिकॉज अपने जो हैं उधारी पे मतलब कि चल रहे हैं, मतलब जो अपनी कंट्री का जो मतलब कि डाटा है उसमें बताया गया है कि जो ये अपने मतलब उधार ज़्यादा है अपनी कंट्री पे और मतलब अर्निंग्स कम है। सो ये देखो ये बताया गया फ्यूचर अर्निंग्स के लिए मतलब कि अपने काम करना चाहिए,
और जो मतलब कि लोन्स वगैरह हैं वो काफ़ी मतलब पेंडिंग है अपनी, सो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब इसके बारे में अपने को क्या करना चाहिए, इसके बारे में मतलब कि पॉलिसी वगैरह बनाई जानी चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और एक्सपेंडिचर पे कम ध्यान दिया जाना चाहिए, मतलब कि एक्सपेंडिचर कम किया जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है इसमें। सो अब चलेंगे अपने पास वाले पे अपडेट डिबेट। अब ये अपडेट डिबेट ये किसकी है, ये आपको पता है व्हाट्सअप जो है उसकी चैट मतलब कि जो प्राइ सॉरी चैट क्या जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसके बारे में बताया गया है। व्हाट्सअप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब उसके बारे में अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले जो एडिटोरियल में, उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो प्राइवेसी पॉलिसी में मतलब कि उसमें बताया गया, इसमें मतलब ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया है कि जो व्हाट्सअप है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी आई है और मतलब ये सही नहीं है जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसकी डिबेट पे मतलब कि काफ़ी मतलब कवर हो रही है ये जो स्टोरी है व्हाट्सएप की, सभी न्यूज़पेपर में मतलब कि आ रही है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस मतलब कि ज़्यादा न्यूज़ कवर हो रही है उसके बारे में बताया गया है इस एडिटोरियल में। सो 7 पे कोई न्यूज़ मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो कार्टून कोना ऐसे है मतलब कि वो ट्रंप जाना नहीं चाहते और बिडेन जी कह रहे हैं कि निकालो इनको, तो वैसे ही है। अब चलेंगे अपने पेज नंबर 19 पे, या पेज नंबर 19 क्या मतलब कि 19 जनवरी के जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर, उसमें एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है कोई, उसमें मतलब कि एडिटोरियल कोई इम्पोर्टेंट आया नहीं था, तो उसके बारे में अपने नहीं जानेंगे बिकॉज़ इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़पेपर है नहीं, मतलब कि एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है नहीं। तो 20 में मतलब कि 20 जो जनवरी का है उसमें इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, तो उसके बारे में देखेंगे अपने ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। तो चलेंगे अपने पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर अब क्या है, पेज नंबर 6 पे जो मतलब कि इसमें क्या एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, इसमें डिस्कस किया गया है कि जो मतलब लिबर्टी है उसके ऊपर मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया है, कोर्ट ने मतलब कि लिबर्टी का ज़्यादा यूज़ किया है। लिबर्टी का कैसे, मतलब जो आपको पता है अर्नब गोस्वामी है, अर्नब गोस्वामी के बारे में आप जानते होंगे, अर्नब गोस्वामी है उसके ऊपर मतलब कि काफ़ी केस वगैरह हुए थे और काफ़ी मतलब कि जो न्यूज़ में था अर्नब गोस्वामी, कैसे न्यूज़ में था, एक तो मतलब कि ये है कौन अर्नब गोस्वामी, ये हैं रिपब्लिक जो टीवी है उनके डायरेक्टर हैं अर्नब गोस्वामी, तो ये आपको पता है पहले मतलब कि टीआरपी के मामले में अंदर थे मतलब, और फिर किसी ने मतलब कि कोई केस वगैरह के चक्कर में ये अंदर हो गए थे, सो इनको ना 3-4 केस हुए थे इनके ऊपर, और लेकिन इनको ना कोर्ट ने मतलब बार बार में ये मतलब एक बार सॉरी इसको मतलब कि लिबर्टी 27 जो नवंबर का दिन था लिबर्टी का मतलब कि मामला बताते हुए कि इनको लिबर्टी होनी चाहिए, ये कोर्ट का जो बयान है ह्यूमन लिबर्टी एंड द रोल ऑफ कोर्ट्स, ह्यूमन लिबर्टी इज़ ए प्रीशियस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, सो उसके बारे में मतलब कि बताया गया। सो अब इसमें क्या हुआ, ये ध्यान देते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो गवर्नमेंट क्या जो कोर्ट है उन्होंने मतलब कि ऐसा किया है मतलब उनको बेल दे दी, तो उसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया है सॉरी गाइज, तो उसके बारे में इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें नहीं है, बस उसी के बारे में डिसीजन के बारे में अर्नब गोस्वामी पे ये आर्टिकल घूम रहा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा अपने टाइम नहीं देंगे। टॉप ऑफ द हिप इसमें क्या है, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो मैच हुआ था उसके ऊपर मतलब कि है ये, उसमें इंडिया ने मतलब कि जीत हासिल की है और जो इसमें ऋषभ पंत की काफ़ी तारीफ हो रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल है सारा, बाकी और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इतना, बस आपको एडिटोरियल के बारे में इसमें पता होना चाहिए। सो अब जो इम्पोर्टेंट है जो 20 का वो मतलब कि इसमें है डीप फेक, इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि बन सकता है, डीप फेक क्या है, डीप फेक क्या है फ्रेंड्स, मतलब कि डीप फेक आजकल ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो उसके बारे में मतलब कि बताया जा रहा है। अब डीप फेक के बारे में मैं पहले आपको एक पिक दिखाऊंगा उसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीप फेक क्या है। अब इस पिक में देखो आप, अब ये जो पिक है अब इसमें ये एक ओरिजिनल पिक है और एक डुप्लीकेट पिक है, अब इसमें पता नहीं चलेगा कि ये है कौन बिकॉज़ अब ये पिक है, अब इसको एडिट वगैरह करके इसको बताया गया है,
अब नॉर्मल इंसान इसको पहचान नहीं सकता कि ये पिक कैसे है। अब ये देखो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, ये ओरिजिनल पिक थी और ये डीप फेक है, इसको कहते हैं डीप फेक। डीप फेक क्या हुआ इसमें, इसमें देखो आप, आपको डिफरेंस वैसे आपको पता नहीं चलेगा डिफरेंस इसमें क्या है, लेकिन सेम लग रही है दोनों पिक। और लेकिन अब देखो, अब आपको ये नीचे नेम दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। तो ये है डीप फेक। अब डीप फेक में मतलब कि क्यों इसका डीप फेक इतना घूम रहा है न्यूज़ में, बिकॉज़ अब इससे क्या होता है, इससे इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और जो भी मतलब कि उसका ट्रस्ट वगैरह बिल्ड हुआ है उसके ऊपर मतलब कि सवाल बन सकते हैं। सो अब इसमें है क्या, अब इसमें है इन्होंने बताया कि डीप फेक का मतलब कि बुरा असर पड़ सकता है कि बिकॉज़ इससे हम पहचान नहीं पाते कि इंसान है कौन सा, और इससे मतलब कि कोई बहुत सी मैनिपुलेटेड जो मतलब कि देखने को मिलती है। और ये काम होता किससे है, ये AI से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि एडिट वगैरह कर देते हैं। और मतलब AI का ये आपके GS3 में काम देगा, वैसे मैं बता देता हूँ GS3 में मतलब कि काम आएगा ये जो है न्यूज़, ये AI का जो रोल है ये GS3 में काम आएगा। सो अब इसमें होता क्या है, इसमें मतलब कि एडिट कर देते हैं वीडियो को और उसमें अपने डिफरेंस तक नहीं पता कर पाते कि वो वीडियो या जो पिक है वो है किसकी, बिकॉज अब ये बहुत सा यूज़ मतलब कि इसका होता है। अब इसका सबसे ज़्यादा मतलब कि यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे मतलब कि पोर्नोग्राफी में यूज़ देखने को मिलता है इसका ज़्यादा। अब इसमें हुआ क्या है, अब डीप फेक मतलब कि किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, किसी भी ह्यूमन को मतलब कि टारगेट किया जा सकता है इसमें। तो अब मतलब इससे क्या हो सकता है, इससे डेमोक्रेसी जो है मतलब कि अपने डेमोक्रेसी या प्राइवेसी ऑफ राइट, तो मतलब उसको भी मतलब हानि होती है, हार्म होता है उसको भी। तो उसमें मतलब कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें मैंने अलग से कुछ लिखा है थोड़ा सा डीप फेक के बारे में। अब मैं एक इसमें इम्पोर्टेंट जो इसे आर्टिकल में बताया है उसके बारे में बता दूँ आपको। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अगर अपने को पता लगाना हो कि डीप फेक है क्या और मतलब कि ये कैसे जनरेट किया है, तो इसके बारे में एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है इसके बारे में, इसके बारे में टेक्निक है कि अपने जो है AI जनरेटेड टूल्स जो हैं उसके ऊपर, उससे अपने पता लगा सकते हैं। सो AI जनरेटेड टूल्स जो मतलब कि हैं उससे अगर कोई मतलब बन सकता है या अपने पता लगा सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि AI बेस्ड जो ऑटोमेटिक टूल्स जो हैं वो इन्वेंट किए जाएं, जिससे कि अपने इन पिक्स में या इन वीडियोस में इन फेक न्यूज़ पे अपने मतलब कि कंट्रोल कर सकें और इससे इमेजेस को बचा सकें ताकि ज़्यादा मतलब कि मिसयूज़ ना हो। सो इससे क्या हो सकता है, इससे ऐसे किसी भी इंसान को टारगेट किया जा सकता है और उसको मतलब कि टॉर्चर किया जा सकता है जिससे कि उसकी इमेज ख़राब हो सकती है। सो अब ये देखिए, अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐसे है कि अब इसको मतलब कि इसमें वुमेन को टारगेट किया जा सकता है या वॉर तक मतलब कि काम हो सकता है। वॉर तक काम कैसे हो सकता है, बिकॉज़ क्या लिप सिंक कर दी जाती है वीडियो एडिट करके, या मतलब कि आपने देखा होगा बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं उन्होंने बोला कुछ और होता है लेकिन कोई वीडियो आती है जिसमें उन लिप सिंक करके वो मतलब कि बना दी जाती है अलग से वीडियो। सो ये क्या है, ये डीप फेक है। अब ये डीप फेक आपको कहाँ पे काम आएगा, ये GS3 में मतलब कि आपको काम आएगा। सो इस एडिटोरियल में इतना ही था, आप अगर ज़्यादा मतलब कि जानना है इसके बारे में आप सर्च करें और डीप फेक के बारे में जानें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर बाद में कल के वीडियो में।